हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, ये जो नया वीडियो लेके आया हूँ मैं, इसमें अपन बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही आपका टॉपिक है। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा ये इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रहा होगा, देखो। अगर आपसे कोई अंडर रूट ऑफ 36 पूछता है ना बच्चा, तो हंसते हंसते तुम 6 बोल दोगे। बट यहीं पे अगर मैं अंडर रूट ऑफ 36.6 पूछूं, तो तुम ये बोलोगे कि सर ये 36 से थोड़ा ज्यादा है, 36.6, तो ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। कितना होगा नहीं पता, मगर 6 से सर थोड़ा ज्यादा होगा, इतना बोल पाओगे। ठीक है, अब अंडर रूट 25 तो आप क्या बोल दोगे, 5 बोल दोगे। अब यहां पे अंडर रूट 24 अगर पूछा जाए बच्चों, तो ये 25 से थोड़ा सा कम है 24, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 5 से थोड़ी सी कम आएगी, 5 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, कितना कम आएगा वापस से नहीं पता अपने को। 256 की पावर में 1/4, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए तो थोड़ा मेहनत करके आप बोल दोगे कि सर ये तो 4 लिखा है। आप अगर देखो 256 इज 16 का स्क्वायर, तो दिस इज 4 to the power 4, ये दिख रहा होगा 4 आएगा। नाउ दिस इज 255, लिटिल बिट लेस देन 256, ये भी जो वैल्यू होगी 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। और ये जो होगा आपका 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, ये इतना अपने को पता है। अब क्या है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं मुझे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो एग्जैक्ट वैल्यू अपन ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव अपन 36.6 की भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अंडर रूट 24, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव अपन अंडर रूट 24 की भी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के एंड तक बने रहो एंड अच्छे से चीजों को सीखो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चा एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है डेरिवेटिव में, आपने पढ़ा होगा। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये बाय यूजिंग कंसेप्ट किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने का ये तरीका, और इसको क्या नाम देते हैं अपन बच्चा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसका नाम है। ठीक है, अब यहीं से अप्रोक्सीमेशन का भी कंसेप्ट आता है। अब उस अप्रोक्सीमेशन के कंसेप्ट को लिखते कैसे हैं, आप वो चीज देखिए कैसे लिखते हैं अपन अप्रोक्सीमेशन की कंसेप्ट को, क्योंकि वो एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी वैल्यू दिया जाए अप्रोक्सीमेट करने के लिए, आपको कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको एक सिंगल फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। एच अप्रोच जीरो है इसमें, मतलब एच तो बहुत ही छोटा सा नंबर है। ठीक है, एच अप्रोच जीरो, एच जो होगा बहुत ही छोटा सा नंबर होगा। तो यहां पर अपन इसी एफ डैश ऑफ एक्स को अपन ऐसे लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर f ऑफ x, h बहुत छोटा है तो मैंने डेल्टा x कर दिया, मतलब x से जितना चेंज होगा डेल्टा x, मतलब x से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है डेल्टा x, और डेल्टा x थोड़ा कम भी हो सकता है, माइनस ऊपर एफ एक्स है और h के बदले मैं क्या रख रहा हूं डेल्टा x, तो मैंने डेल्टा x चिपका दिया इधर। आपको वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू में एफ डैश ऑफ एक्स प्लस में एफ एक्स। ठीक है बच्चा, तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन की का फॉर्मूला हो गया एक, जो अपन यूज करेंगे। क्या बोला मैंने, ये अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला हो गया अपने पास, जो अपन इस टॉपिक में यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एफ एक्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देन एक्स डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर डेल्टा एक्स डिसाइड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं,
और तीनों चीज मैं आपको डिसाइड करके बताता हूँ, फिर देखो आपकी कैसे काम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है अंडर रूट ऑफ 36.6 की। देखिए कैसे निकालेंगे। जिसका भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया जाए, बोला जाए फाइंड करने के लिए, अब 36.6 के अगल बगल में सोचो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता होता है। 36.6 के जस्ट अगल बगल में कौन सी ऐसी वैल्यू है स्क्वायर रूट की जो आपको पता है? तो ऑब्वियसली 36 अपने को पता है, तो x इज इक्वल टू ले लिया मैंने 36, डेल्टा x क्या हुआ आपका 0.6, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ x। क्लियर है चीजें? ये तीन चीज आपको डिसाइड करना है। जस्ट इसके अगल बगल में देखो कौन सी वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट में, दैट इज 36, तो डेल्टा x दिख गया 0.6, और अंडर रूट चल रहा है तो अंडर रूट ऑफ x आपका ये फंक्शन हो गया। अब यहां पे आते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 36 प्लस 0.6, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स दैट इज 0.6, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2√x प्लस एफ एक्स दैट इज रूट एक्स। सारा चीज पुट कर दिया, देखिएगा 36 प्लस 0.6 तो 36.6। एफ एक्स अगर ये है बच्चा, तो आपसे अगर कोई पूछेगा एफ 10 तो क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ 10, यही बोलोगे ना। एफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के बदले अगर आप 10 चिपका रहे हो तो यहाँ भी एक्स के बदले 10 आ जाएगा। एफ ऑफ 36.6 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36.6, तो लिख दीजिए यहाँ पे आप, दिस इज अंडर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.6। यहाँ पे x के बदले क्या पुट कर रहे हैं 36, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 36 प्लस अंडर रूट ऑफ 36। बस आपको इस फॉर्मूले में जैसे ही आपको तीनों चीज पता चलाना, तीनों चीज कौन कौन सा, x, डेल्टा x, एफ एक्स, तीनों चीज पता चला, बस फॉर्मूले में ले जाके चिपका दो, आंसर आएगा ही आएगा। तो दिस इज 0.6 1/12 प्लस 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका वैल्यू है जो भी आएगा, ये अंडर रूट ऑफ 36.6 की। क्लियर है चीजें बच्चा? अब एक और देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 255 की पावर में 1/4, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब 255 के जस्ट अगल बगल में देखो जो आपको पता है, तो आपको दिख रहा होगा ना कि पावर में 1/4 ही चल रहा है, तो x को अगर 256 ले लें तो 256 की पावर में 1/4 वैल्यू होती है 4 उसकी, वो पता है अपने को। तो डेल्टा x क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा, 256 में से क्या करोगे, 255 आ जाए -1, तो -1 कर लीजिए, और एफ एक्स क्या आएगा बच्चा, दैट इज एक्स टू दी पावर में 1/4। क्लियर चीजें? फॉर्मूले में ले जाके पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये रिजल्ट है अपने को। तो यहां पे ले जाके सारा काम कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स क्या बचा -1, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा जरा इसको कैलकुलेट करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 -1, तो माइनस में 3/4 ले जाके जरा चिपका दीजिए इसको यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे चिपकाइएगा तो दिस इज 1/4 एक्स टू दी पावर माइनस में 3/4 प्लस में एफ एक्स। अब सारी वैल्यूज ले जाके पुट करो, तो 256 डेल्टा एक्स इज -1, तो दिस इज एफ ऑफ 255, और एफ ऑफ 255 इज 255 की पावर में 1/4 इज इक्वल टू -1 1/4, और इसको लिख दीजिए 256 की पावर में -3/4 256 की पावर में -3/4 प्लस एफ एक्स, एफ ऑफ
256, तो 256 की पावर में 1/4, ये पहले ही बोल रखा है मैंने, दिस इज 4, कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस में 1/4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 क्यूब कितना आ जाएगा, 256 हो गया ये आपका, तो दिस इज 4 to the power 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 4 क्यूब, 64 प्लस दिस इज 4, ये सारी चीजें। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितना भी ये आपका आंसर है वही होगा, 4 माइनस 1 अपॉन में 256, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चा, पूरा कैलकुलेशन है, तीन वैल्यूज, ये जो फर्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ ये तीन वैल्यूज आपको फाइंड करने। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, हो सकता है वहां से और चीजें क्लियर हो। देखिए एफ एक्स दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड करना है आपको एफ ऑफ 2.1, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। देखिए अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 2.1 आपको निकालना है, तो इसके अगल बगल में कोई अच्छी सी वैल्यू कौन सी आएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा बच्चा 0.1, और एफ एक्स तो आपकी बार क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां से सॉल्व कीजिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, दिस इज डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस में एफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, एक्स इज 2, डेल्टा एक्स इज 0.1, एफ ऑफ 2.1, डेल्टा एक्स इज 0.1, एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहां से एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश ऑफ एक्स अगर लिखोगे तो दिस इज 2x प्लस 2, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया 2x प्लस 2, क्लियर है ना चीजें, तो यहां पे लग देते हैं अपन 2x प्लस 2 प्लस एफ एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वैल्यूज अब पुट करते हैं अपन 0.1, एक्स के बदले क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 दिस इज 6, एक्स के बदले 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये 8 आ गया, और 8 प्लस 0.1 इंटू 6 कितना आ गया बच्चा 0.6, दिस इज 8.6, तो एफ ऑफ 2.1 की जो वैल्यू आई अपने पास दैट इज 8.6, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है। तो इस तरह से दो जो टाइप करवाए हैं मैंने क्वेश्चन के, यही दोनों टाइप मेनली बोर्ड के में मेनली आता है ये, और कभी कभी हो सकता है बच्चा तो जेई मेन में भी आ जाए, तो इंपॉर्टेंट क्या है ये तीन चीज, एक तो एक्स फाइंड करना, डेल्टा एक्स फाइंड करना, देन एफ एक्स देखना, कभी कभी एफ एक्स खुद क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको चीजें अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी उठाओ, एओडी का एक्सरसाइज निकालो, और उसमें 6.3 या 6.2 आपका अप्रोक्सीमेशन, ये सेकेंड चैप्टर है मोस्ट प्रोबेबली, आपको निकालिए, या थर्ड चैप्टर है आपको निकालिए और उसको पूरा सॉल्व कर दो, मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन है वहां पे, आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका काम हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना आपको कुछ भी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप चाहो तो वहाँ पे भी हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे डेली बाय डेली हम लोग क्विज पोस्ट करते हैं, वहाँ पे टेस्ट पेपर वगैरह भी दिया जाता है बच्चों को, और बच्चों की क्वेरी हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तो आप चाहो तो अपने चैनल पे भी, क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के चैनल पे भी हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, इफ यू फील इट यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।